आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती घोटाले में सीएम पुष्कर सिंह धामी का सबसे बड़ा वार। घोटालेबाजों पर लगेगी गैंगस्टर और अवैध संपत्तियों पर चलेगा बुलडोजर। राज्य में जिस भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ी, सभी को किया जाएगा रद्द। जी हां, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ऐसी सभी भर्ती परीक्षाएं रद्द होंगी जिनमें गड़बड़ी के साक्ष्य मिले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। सीएम ने आयोग में भर्ती घोटाले के संबंध में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद ये आदेश दिए हैं। भर्ती प्रक्रिया में उजागर हुई कमियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री ने सभी दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने पर जोर दिया है। साथ ही सीएम ने दोषियों को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी करने और उनकी अवैध संपत्ति को जब्त करते हुए उन पर गैंगस्टर एक्ट भी लगाने के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं, सीएम ने आदेश दिए हैं कि जिन परीक्षाओं के माध्यम से दागी व्यक्तियों को नियुक्ति मिली, उनकी नियुक्ति तत्काल रद्द की जाए। साथ ही गड़बड़ी कर नौकरी पाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। चलिए अब आपको बताते हैं कि सीएम के आदेश के बाद कौन कौन सी परीक्षाएं रद्द होने जा रही हैं। सबसे पहले है ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा, दूसरी है वन आरक्षी भर्ती परीक्षा, तीसरी है सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा और चौथी है न्यायिक कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के आदेश के बाद स्नातक स्तरीय परीक्षा भी रद्द हो सकती है। इस परीक्षा में अब तक पूर्व भाजपा नेता हाकम सिंह समेत 22 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। धांधली के चलते अगर राज्य की ये तमाम परीक्षाएं रद्द की जाती हैं तो युवाओं को इसका फायदा और नुकसान दोनों होना तय है। ऐसे युवा जो इन परीक्षाओं में पास नहीं हो पाए, उनके लिए तो मौका है, लेकिन जो युवा ईमानदारी से परीक्षा देकर पास हुए थे, उनके सामने दोबारा परीक्षा देने की चुनौती खड़ी हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।